ओके, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इन वीन्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत कर रहे हैं, इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 की। देखिए, इस क्वेश्चन को किस तरह से हमने कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जो होएगा, ये जो x डिनोमिनेटर में x वाला है, उसका जो कॉफिशेंट है वो हमने 1 करना है, और देखना है किसको भरने से हमारे पास न्यूमरेटर आ सकता है, किस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद। सो, अगर हम ये 3 भी बाहर लिख लें, 2 भी बाहर कर दें, तो हमारे पास ये रह जाती है 1/2 एक्स रेज टू पावर 4 डी एक्स। अभी देखिए, इसमें थोड़ा सा अगर हम चेंज करें और, तो ये हम 1/√2 स्केयर और ये एक्स स्केयर होल स्केयर डी एक्स, ये इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हम पुट करें एक्स स्केयर को वाई के इक्वल, तो ये 2x dx dy और x dx हमारे पास 1/2 dy बन जाएगा। x dx हमारे पास 1/2 dy बन जाएगा, और ये इंटीग्रेशन 3/2 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन dy अपॉन 1/√2 होल स्केयर प्लस y स्केयर, ये बनेगा। ठीक है जी, ये 2 है यहाँ पे, और अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन 3/4 ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का फॉर्मूला, दैट इज 1/a यानी कि 1/√2 टैन इनवर्स एक्स अपॉन 1/√2 प्लस सी। सो, ये हमारे पास इंटीग्रेशन 3√2/4 टेन इनवर्स √2y प्लस सी है। सो, इंटीग्रेशन 3√2/4, और इसको अगर हम √2 के साथ रैशनलाइजेशन कर दें, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, टेन इनवर्स √2y की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दें एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स से शुरू है, आंसर भी x में आना चाहिए। सो, इंटीग्रेशन 3/√2 रह जाएगा टेन इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देख लीजिए, थोड़ी सी चेंजेस करनी है, सब्स्टिट्यूशन देखना क्या बनता है, और ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास है एक्स स्केयर अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6। सो, इसमें अगर हम देखें तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्केयर, इसको लिख सकते हैं जी। और अगर हम एक्स क्यूब को वाई पुट कर दें, तो ये हमारे पास 3x स्केयर डी एक्स डी वाई, क्योंकि न्यूमिरेटर में हमें एक्स स्केयर डी एक्स ही चाहिए, और ये एक्स के डी एक्स हमारे पास 1/3 डी वाई बन जाता है। ये आएगा 1/3 डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये इंटीग्रेशन 1/3 1/2a कितना है 1 लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। सो, इंटीग्रेशन 1/6 लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे साइड पे। सो, डी एक्स अपॉन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का जो फॉर्मूला है, 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले अच्छी तरह से आपको लर्न रहने चाहिए। जितने अच्छे फॉर्मूले आप लर्न करोगे, उतना ही अच्छा आपका ग्रिप बनेगा इंटीग्रेशन के ऊपर। देखिए जी, ये जो 7th क्वेश्चन है, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। सो, इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन √ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स को किस तरह से करते हैं। सो, ये इंटीग्रेशन x अपॉन √
एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। सो ये हमारे पास दो अलग अलग क्वेश्चंस बन गए, और हम इसको करने के लिए एक को आई वन लिख लेते हैं, एक को आई टू, और ये इसको इक्वेशन नंबर वन देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, आई वन को सॉल्व करेंगे। नाउ आई वन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। अभी मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन को वाई के इक्वल, तो ये टू एक्स डी एक्स डी वाई और एक्स डी एक्स हमारे पास वन बाय टू डी वाई बन जाएगा, एक्स डी एक्स वन बाय टू डी वाई। सो जो आई वन है दैट इज वन बाय टू डी वाई अपॉन रूट वाई। सो आई वन वन बाय टू वाई रेज टू पार माइनस वन बाय टू डी वाई। सो वन बाय टू वाई रेज टू पार वन बाय टू अपॉन वन बाय टू, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। टू के साथ टू कट जाएगा। आई वन क्या है, वाई रेज टू पार वन बाय टू यानी कि अंडर रूट वाई, अंडर रूट वाई, वाई हमारे पास क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। और आई टू हमारे पास क्या है, आई टू क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब फिर से हमारे पास क्या है, फिर से हमारे पास आ गया फार्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है जी, आई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, सीधा फार्मूला था, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही आना है। देयरफॉर यहाँ पे इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन में हमारे पास क्या चेंजेस आई, आई इज इक्वल टू आई वन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। ये है जी हमारा आंसर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। ये था सेवेंथ क्वेश्चन। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर एट्थ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स रेज टू पावर सिक्स प्लस ए रेज टू पावर सिक्स। फिर से हमने थोड़ी सी इसमें चेंजेस करनी है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा एक्स क्यूब होल स्क्वायर, ए क्यूब होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। पुट कर देंगे हम एक्स क्यूब को वाई के इक्वल, सो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई के इक्वल, और एक्स स्क्वायर डी एक्स वन बाई थ्री डी वाई के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। सो इंटीग्रेशन ये वन बाई थ्री डी वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर सिक्स ही लिख सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स यानी कि वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर सिक्स प्लस सी, बस इतना सिंपल सा है। वन बाई थ्री लॉग वाई हमने क्या सपोज किया, एक्स क्यूब सपोज किया जी, एक्स क्यूब, और ये एक्स रेज टू पावर सिक्स प्लस ए रेज टू पावर सिक्स प्लस सी, ये हमारे पास है इसका आंसर, एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर सिक्स प्लस ए रेज टू पावर सिक्स। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखेंगे जी। अभी क्वेश्चन नंबर नाइन्थ जो है ये दिख ही रहा है हमारे पास, टेन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है सीकेंट स्केयर एक्स, तो बिट नेचुरल कि पुट कर देंगे टेन एक्स को वाई, और ये सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स हमारे पास डी वाई के इक्वल आ गया, ये डी वाई अपॉन वाई स्केयर प्लस टू स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई प्लस अंडर रूट वाई स्केयर प्लस फोर प्लस सी। सो इंटीग्रेशन वाई लॉग वाई हमारे पास क्या है टेन एक्स,
प्लस टैन स्केयर एक्स प्लस फोर प्लस सी। बस इतना सिंपल सा सम था। क्वेश्चन नंबर 9th, अभी 10th क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की हम शुरुआत कर रहे हैं। ये अलग क्वेश्चन है, डी एक्स अपॉन एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस टू। ये क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक है। अब हमें इस फॉर्मेट में क्या करना है, इसको परफेक्ट स्केयर बनाना है, इसको परफेक्ट स्केयर बनाना है। फार्मूला हमारे पास ये होता है, परफेक्ट स्केयर 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्केयर एड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्केयर। इसका 1/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1, 1 ऐड कर देना, 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। यानी कि अगर हम इसमें एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेगा, x प्लस 1 होल स्केयर प्लस 1 स्केयर, एक्स प्लस 1 होल स्केयर प्लस 1 स्केयर, ये दिखा। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, x प्लस 1 को y के इक्वल, सो dx dy के इक्वल आ गया। सो इंटीग्रेशन dy अपॉन अनरूट y स्केयर प्लस 1 स्केयर, y स्केयर प्लस 1 स्केयर, देखता हूँ विजिबिलिटी है, यस विजिबल है, y स्केयर प्लस 1 स्केयर। अब ये तो सीधा फॉर्मूला है, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, इंटीग्रेशन लॉग मॉड वाई प्लस अनरूट वाई स्केयर प्लस 1 प्लस सी। अब वाई हमने किसको सपोज किया, एक्स प्लस 1, सो लॉग एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 होल स्केयर प्लस 1 प्लस सी, और एक्स स्केयर प्लस 1 के होल स्केयर को कर लेंगे तो एक्स स्केयर प्लस 2 एक्स प्लस 1 आ जाएगा प्लस 1। तो जहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस अनरूट एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये टाइप जो है मेन समझने वाली टाइप है, मेन यही है हमारे पास, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्केयर एड एंड सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 11th, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के डाउट जो हैं वो निकल जाते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप, पिछले क्वेश्चन में जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट था वो 1 था, यहाँ पे 1 नहीं है इसलिए इसको कॉमन ले लें, तो ये एक्स स्केयर रह जाएगा 6/9 एक्स 5/9। एक स्टेप और कर देते हैं, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, डी एक्स 5/9। अब फॉर्मूला यहाँ पे 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 2/3 होल स्केयर, ये रफ में करना है, यानी कि 1/9 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सिर्फ ये चीज़ समझ आ गई तो ये क्वेश्चन हो गया। इंटीग्रेशन 1/9 डी एक्स एक्स स्केयर 2/3 एक्स प्लस 1/9 माइनस 1/9 प्लस 5/9 प्लस 5/9। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, इजीली विजिबल हो जाएगा आपको, 5/9 5/9 माइनस 1/9, ये 4/9 रह जाएगा, और ये x प्लस 1/3 होल स्केयर बन जाएगा। ये जो चीज़ है ये x प्लस 1/3 होल स्केयर बन जाएगी, ये 1/9 है। इंटीग्रेशन dx, ये x प्लस 1/3 होल स्केयर, और ये कैलकुलेशन 5/9 माइनस 1/9 दैट इज 4/9 4/9 बेस सेम है, डी एक्स अपॉन ये
एक्स प्लस वन बाई थ्री होल स्केयर प्लस टू बाई थ्री होल स्केयर, यानी कि ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स, एक्स प्लस वन बाई थ्री अपॉन ए टू बाई थ्री प्लस सी। सो ये इंटीग्रेशन थ्री बाई टू टेन इनवर्स, ये थ्री एक्स प्लस वन बाई टू प्लस सी, थ्री बाई टू टेन इनवर्स थ्री एक्स प्लस वन बाई टू प्लस सी, ये हमारे पास बनता है इसका। सो बाकी जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थ्री बाई टू, थ्री बाई टू एक हम वन बाई नाइन भी बाहर था, वन बाई नाइन भी बाहर था, यहाँ वन बाई नाइन भी बाहर था और यहाँ वन बाई नाइन था और यहाँ वन बाई सिक्स टेन इनवर्स थ्री एक्स प्लस वन बाई टू प्लस सी बनेगा जी।